उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से जैश ए मोहम्मद के आतंकी हबीबुल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। हबीबुल उर्फ सैफुल्ला के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एजेंसी को उसके पास से एक चाकू और कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल फतेहपुर में रहने वाला हबीबुल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके परिवार का ताल्लुक बिहार के मोतिहारी से है। हबीबुल के तार बीते दिनों अरेस्ट हुए आतंकी नदीम से जुड़े थे और पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। हबीबुल ने बताया है कि वो वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट था और वो इसी के लिए जैश ए मोहम्मद के साथ काम करता था। उसने कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों के लिए 50 से अधिक वर्चुअल आईडीज बनाई थी। वो टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बातचीत करता था। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रहता था और यहीं से अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देता था। की गई पता लगाने की इधर उधर, लेकिन कहीं से कुछ फोन क्या आया आपके पास? फोन क्या आया वहाँ से, लखनऊ से? आपको ये आया कि वो बच्चा है आपका यहाँ और आगे कहाँ पर है? लखनऊ में। और जो एसटीएफ के वो है जो क्राइम ब्रांच, उसमें ये बताया गया। नाम क्या है बेटे का? हबीबुल इस्लाम। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई करता था। है हाफिज है, उसके बाद आलिम का कोर्स कर रहा था। और इधर ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उससे हम नाराज़ भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था कि भाई पढ़ाई बेवजह क्यों छोड़ रहे हो, भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुमको इस काम के लिए लगाया है तो ये काम मुकम्मल करना चाहिए। और 5-6 साल का कोर्स था। और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं सभी? कितने बच्चे? नहीं, एक बच्चा पढ़ता है, वो गुजरात में छोटा सबसे। कहीं पढ़ाई कर रहा है? वो आलिम का कोर्स कर रहा है। आखिर आपने उनको भगाया क्यों था, उसको घर से भगाया क्यों था? वो इसी वजह से नाराज़गी हुई कि भाई तुम पढ़ो। और हमने इसलिए नहीं भगाया, हमने कहा तुम मदरसा जाओ, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया था प्रतापगढ़ में एक मदरसे में। बताया जा रहा है उसके पास चाकू और वहाँ पे उसके पास असलहा मिला हुआ था, जिसकी वजह से आपने उसको भगाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के हैं। बिहार के कहाँ से? मोतिहारी। बच्चा जब आपका था तो ये इसकी एक्टिविटीज क्या कुछ ऐसी गलत आपको समझ में आई, मोबाइल्स वगैरह क्या यूज करता था? कुछ नहीं भाई, पढ़ने वाला बच्चा है और वो पढ़ रहा था और उस साल भर तो मदरसे में रहता था, आया रमजान की छुट्टी में फिर चला गया। ये था कई वर्षों से यही सिलसिला। क्या लगता है उसे कहीं पुलिस ने फर्जी तो नहीं फंसाया? क्या लगता है? अब ये तो वो पुलिस अपने सबूत के बुनियाद पे जो कानूनी एतबार। हबीबुल के बारे में जानकारी तब मिली जब बीते दिनों नदीम नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। नदीम पर आरोप था कि वो नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रच रहा है और उसे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद हबीबुल की जानकारी मिली, इसके बाद एटीएस ने उसे अरेस्ट किया है।